व्हाट्स अप गाइस, आई एम एपी, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर जानेंगे, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले जानेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर पे आएंगे। चलिए चलिए, 10.2 हमने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानेंगे। इसमें क्या, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर पेपर, जो हमने स्क्वायर पेपर ये पढ़ा था, ये तो आपका जैसे कि ये स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर ना, तो इसको बोलते हैं वी कैन टेल डेट वी विल द वट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज 3 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पेपर लेना है हमें, ऐसा चीज का रेक्टेंगल का हमें एरिया बनाना है, एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, जिसकी लंबाई, उस रेक्टेंगल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है तो ये 3 हो गया, तो ये भी 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये भी 5 हो गया, ये 5, ये 5, ये 3, 3। तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट, ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑन अ ग्राफ पेपर हैविंग 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेक्टेंगल्स कवर 15 स्क्वायर कम्प्लीटली। देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, ये आपका स्क्वायर पेपर हो गया, ठीक है। इसकी जो 1 यूनिट है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या किया है इसने, ड्रॉ किया है रेक्टेंगल को, ठीक, जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब हमें पता था कि अगर स्क्वायर पेपर पे या फिर ग्राफ पेपर पे कुछ फिगर रखा गया है तो उसको हमें काउंट करना है, तो इसका एरिया निकालते थे। कैसे काउंट करते थे हम लोग, पूरे बॉक्स को काउंट करते थे, कितना बॉक्स हो जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इसका एरिया क्या हो गया, 15। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 5 × 3, ये 5 और ये 3, जो लेंथ हो गया और जो ब्रिथ हो गया, दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा ना 15, 5 × 15। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रिथ हो गया, समझ गए। कहाँ से निकला फार्मूला, आप याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट क्या था, पहले किसी चीज़ का हमें एरिया निकालना, किसी भी शेप का एरिया निकालना, तो उसको हम लोग स्क्वायर पेपर पर रखते थे। स्क्वायर पेपर रखने के बाद देखते थे कितने स्क्वायर को वो कवर कर रहा है, आधा वो कर रहा है, आधा से कम कर रहा है, आधा से ज़्यादा कर रहा है, तो वैसे हम लोग कंप्लीट करते थे। वैसे ही ये है, तो इस रेक्टेंगल को निकालना है, तो हमने भी क्या किया, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वही ब्रिथ का हमने क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया स्क्वायर पेपर पर, और फिर मैंने हर एक स्क्वायर को काउंट किया, हर एक स्क्वायर को काउंट किया, कितना है, 15 आया। 15 कैसे आया, लेंथ को और ब्रिथ को गुना करने पर ही 15 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रिथ, सो गया। अब देखिए इसका हमें निकालना है, एरिया निकालना है, इस किसका, इसका निकालना बताओ, इसका जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रिथ है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा बताइए एरिया, तो 4 × 3 = 12, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, ठीक है। बस क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपके लिए, लेंथ इंटू ब्रिथ, ये आपको ज्ञात हो गया, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है ट्राई दिस में, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, आपका क्लासरूम जो है उसका एक फ्लोर जो है, फ्लोर उसका एरिया, फ्लोर है तो रेक्टेंगल ही होगा या फिर स्क्वायर होगा क्लासरूम का, मोस्टली वो क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन डोर इन योर हाउस, किसी एक डोर का आपको एरिया निकालना, दरवाजे का आप निकाल सकते हैं, हाँ, क्या करना है आपको, लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, जोड़ देनी है। अब देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वैसे ही स्क्वायर का प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चारों के चारों साइड्स बराबर होती है। वैसे ही आपको बोला जाए स्क्वायर पेपर पे आपको 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई या 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की क्या बनानी है आपको, बताइए क्या बनानी है, स्क्वायर बनानी है। तो इसका भी हमें एरिया निकालना है, तो कितने स्क्वायर बन रहे हैं इसको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर है ये भी, एक तरफ का क्या है, रेक्टेंगल ही है ना, रेक्टेंगल का क्या है, आमने सामने एक भुजा, तो ये 4 होगा, तो ये भी 4 हो गया, यहाँ 4, तो ये भी 4 हो गया, तो 4 × 4 इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, तो 16 आया, ठीक है। तो 16 आया है तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का आप देखिए
अब याद करिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर है तो साइड लिख दीजिए और ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए, मतलब साइड स्क्वायर, साइड कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 16। समझ गए बात को? चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कैसे हम लोग निकाल रहे हैं एरिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे आ गया फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड दो बार है तो साइड स्क्वायर, ठीक समझ गए। साइड कितना था, 4 था, 4 × 4 इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, समझ गए बात। अब देखिए कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल समझेंगे, बहुत कम है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रिथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है 12, ब्रिथ दिया है 4, अगर दोनों गुना कर दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4 लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ 12 × 4 इक्वल टू 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर बता था, एरिया हमेशा स्क्वायर में है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर, ये स्क्वायर प्लॉट हो गया, ये 8 मीटर है, स्क्वायर है, ये भी 8 होगा, तो क्या साइड इंटू साइड होता है इसका एरिया, तो साइड कितना है 8, दूसरा साइड भी 8 है, तो 8 जस्ट 64 स्क्वायर मीटर हमेशा स्क्वायर में आएगा एरिया, ठीक है, क्योंकि दो बार मीटर का गुणा कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड इतना सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज इतना सेंटीमीटर। फाइंड द, देखिए अब दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीस कार्डबोर्ड 36 सेंटीमीटर, एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया, लेंथ दिया है 9 सेंटीमीटर, विड्थ पूछ रहा है, मतलब ब्रिथ पूछ रहा है, तो क्या करेंगे एरिया से लेंथ में डिवाइड कर देंगे, तो 9 × 4 = 36, तो ब्रिथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रिथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन है, पॉप वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाई स्क्वायर टाइल्स, इफ ईच टाइल्स इज 0.5 मीटर फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर द रूम। मान लीजिए फ्लोर है रूम का जो क्या है रेक्टेंगल है, क्योंकि 3 मीटर है 4 मीटर है, 3 मीटर ये है 4 मीटर ये है, ठीक है, उसे क्या कर रहा है टाइलिंग कर रहा है, टाइलिंग की लंबाई, टाइलिंग क्या है स्क्वायर टाइल्स है, यहाँ लगाया 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 ऐसे लगाया। अब देखिए क्या कर रहा है कि इसका पहले हमें अब कितने टाइल्स लगेंगे ये हमें याद करना है, तो क्या कर सकते हैं पहले पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे, तो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ ए फ्लोर, तो एरिया फ्लोर क्या, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेथ कितना है 4 × 3 12 स्क्वायर मीटर हो गया। अब क्या करेंगे हम टाइल्स का एरिया निकालेंगे, टाइल्स का एरिया क्या है क्योंकि स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर करेंगे, तो 0.25 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक टाइल्स का जो है एरिया 0.25 है और पूरे को हमें कवर करना है, क्या करना है पूरे को कवर करना है, तो 25 × 0.25 कर लेंगे, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक 25, ये 100 टाइल्स लगेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज 100, समझ गए बात को। देखिए सॉरी इधर 12 है ना, 125 लिख दिया था उधर, 12 × 0.25 डेसिमल के लिए, डेसिमल के लिए, डेसिमल के लिए 1 पहले से है, ये हो गया 0 इधर कर देंगे, ठीक है 25 या 48 हो गया, 48 टाइल्स हो गए, ठीक। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड, इसका इस एक क्लॉथ है जिसकी एरिया हमें निकालना है, ठीक है, जिसका लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 1.25 लिख दीजिए इसको इंटू 2 कर दीजिए, तो 1.25 है और 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 2.50 स्क्वायर मीटर, 2.25 कितना हो जाएगा 2.25 को दो बार जोड़ दीजिए तो 2.5 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्लॉथ क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ और ये ब्रेथ, समझ गए। एक्सरसाइज 10.2 को हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। आपने दो चीज़ सीखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड बराबर साइड इंटू साइड, समझ गए बात को। चलिए एक्सरसाइज 10.2 को हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, तक आप
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, ना समझ में आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।